हेलो गाइस, वेलकम टू द शिक्षा फार्मेसी क्लासेस मेक इट पॉसिबल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फार्माकोग्नोसी का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड की। क्या है वो? सपनों का ग्लाइकोसाइड। जी हाँ, सपोनिन ग्लाइकोसाइड। ठीक है, इस तरह ये जो ट्रिक्स रहती हैं, ये जो हम अलग से नाम बताते हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला सपनों का ग्लाइकोसाइड लाइक सपोनिन ग्लाइकोसाइड। ठीक है, तो इन ऐसी चीज़ों से हमें बहुत जल्दी चीज़ें याद होती हैं, लर्न होती हैं। अगर हम चीज़ों को किसी या किसी वर्ड से रिलेट कर लें, कोरिलेट कर लें, तो हमें काफ़ी इजी रहता है याद करना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बोला है सपनों का ग्लाइकोसाइड सैपोनिन ग्लाइकोसाइड। अब बात करते हैं सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, तो हमारा जो है फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर का आ चुका है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ड्रग है तो हमने छोटे छोटे पार्ट्स में इनको कवर कराने की कोशिश करी है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पार्ट थ्री। ठीक है, इसके पहले जो पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड आया है, वहाँ पे हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग डिस्कस की हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए जाके, एंड अगर कोई भी दिक्कत हो तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे भी लिंक प्रोवाइड करेंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक जो है जाके देख सकते हैं और वहाँ से आपको लेक्चर इजीली आप जो है देख पाएंगे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुछ तीन और इंपॉर्टेंट ड्रग की। इंपॉर्टेंट ड्रग स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अगर चैनल आपको अच्छा लगता है तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की। जब तक मत करना जब तक चैनल आपको बेनिफिट ना लगे, इस चैनल से कोई भी या कोई हेल्पफुल आपको यहाँ पे मटेरियल ना प्रोवाइड किया जाए। लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको हेल्प हो रही है, तो हमारा थोड़ा सा जो है मनोबल बढ़ाने के लिए, हमें मोटिवेशन देने के लिए, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। साथ ही जितने भी फार्मा के हमारे स्टूडेंट्स हैं, फार्मा के हमारे फ्रेंड्स हैं, जो इस समय स्थिति ऐसी है, जो है सिचुएशंस ऐसी हैं कि लॉकडाउन में कोई कोचिंग या कोई कॉलेज में पढ़ाइयाँ तो चल नहीं रही हैं, ऑनलाइन अगर सेशंस चला भी रहे हैं कॉलेज वाले तो बस फॉर्मेलिटी है। तो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर आपको हम जो है अपनी साइड से थोड़ा बहुत फार्मा कम्प्लीट करा रहे हैं। आपको एक कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि आपको जितना अच्छे से अच्छे वे में हम पढ़ा सकें, समझा सकें, एक अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करा सके आपके एग्जाम के लिए, वो हम कर सकें आपके लिए, ताकि आपकी जो है एग्ज़ाम्स अच्छे से जाएं, आपके एग्ज़ाम्स अच्छे हों। तो हमारी ये कोशिश है कि आपको एक अच्छा मटेरियल मिले, आपको एक अच्छी शिक्षा मिले। बस आपको इतना करना है कि जिनको भी इस शिक्षा की ज़रूरत है, आपको ये चैनल उन तक पहुंचाना है, इस चैनल की लिंक उनको देनी है, ताकि वो भी पढ़ सके, वो भी अपने एग्ज़ाम्स में और बेहतर परफॉर्म जो है कर सके। यहाँ पे हम बात करते हैं आज के लेक्चर की। सबसे पहले हम जो ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्राह्मी। ठीक है, अब मैं आपको ट्रिक बताऊँगी, हर एक चीज़ की आपको यहाँ पर ट्रिक बताई जाएगी, आपको क्या करना है वीडियो को पूरा देखना है। अब ब्राह्मी का जो सिनोनिम होता है, ठीक है, क्या होता है? ब्राह्मी ही होता है। इसको आप ब्राह्मी भी बोल सकते हो, या इसको बोल सकते हो बेकोपा। क्या बोल सकते हो? बेकोपा। ट्रिक मैं बताऊंगी, अभी आप पढ़ लें। इसके बाद आता है पार्ट ऑफ यूज, लीज एंड स्टेम्स इसकी यूज की जाती है। लीज एंड पत्ती आपके स्टेम्स यानी होते हैं तने पेड़ के। इसके बाद आते हैं बायोलॉजिकल सोर्स, बेकोपा मोनियरा। ठीक है, क्या है? बेकोपा मोनियरा। यहाँ पे जो है ये बी है, बेकोपा मोनियरा, ये वर्ड यहीं से लिया गया है। इसका जो सिनोनिम है सिमिलर ही है, बेकोपा मोनियरा इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है। फैमिली इसकी होती है स्कूल चले हम। जी हाँ, जैसे कि सपनों का ग्लाइकोसाइड सैपोनिन ग्लाइकोसाइड हो गया, वैसे ही स्कूल चले हम कौन सी फैमिली आई कि स्कूल से? स्क्लोफोरेसी। जी हाँ, स्क्लोफोरेसी फैमिली होती है इसकी। एक चीज़ और, मैंने आपको बोला था डिजिटेलिस की जो है फैमिली भी स्क्लोफोरेसी होती है, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना। फर्स्ट तो जो ड्रग हो गई, स्कूल में हम डिजिट पढ़ते हैं, ठीक है, और ब्राह्मण भी डिजिट पढ़ते हैं, ब्राह्मी से याद रखना, ब्राह्मण जो होते हैं ना, पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, तो वो ब्राह्मण भी क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं शिक्षा लेने। तो स्क्लोफोरेसिस की फैमिली हो गई, ये चीज़ हमेशा याद रखना। डिजिटेलिस की भी होती है और ब्राह्मी की भी होती है। यहाँ पे हम आगे बात करते हैं केमिकल कांस्टेंट की। तो केमिकल कांस्टेंट जो है इसका बेकोपोसाइट ए एंड बी, मतलब की है जो इसकी बेकोपा मोनियरा ही सब जगह यूज हुआ है, बेकोपा, बेकोपा मोनियरा, बेकोपोसाइट। इसका केमिकल कांस्टेंट कुछ अलग नहीं है, साइड लगा हुआ है बस, बेकोपा साइट्स ए एंड बी, मतलब बेकोपासाइट ए एंड बेकोपासाइट बी जो है इसका केमिकल कॉन्स्टेंट है। इसमें जो एक्टिव जो कॉन्स्टेंट प्रेजेंट है वो यही है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा ये कहाँ यूज़ किया जाता है? तो नर्वाइन टॉनिक यानी नर्व टॉनिक जो बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, ये चीज़ याद रखना ब्रेन वगैरह के लिए। आपके जो है मतलब ये कहाँ काम कर रहा है? आपकी सीएनएस पे काम कर रहा है, नर्व टॉनिक बनाने में यूज़ किया जा रहा है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है? और इंपॉर्टेंट है इसकी फैमिली की, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स भी याद कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल है, इसका सिनोनिम बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टेंट सब एक ही वर्ड स्टार्ट हो रहा है। अब मैं आपको बता देती हूँ ट्रिक। ट्रिक कैसे याद करना है?
ब्राह्मी से आपको याद रखना है ब्राह्मण, ठीक है। जो है इमेज क्लिक करते जाना माइंड में, एक हमें पिक्चर सी बनानी है, शॉर्ट पिक्चर बनानी है। अब जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी इमेजेस जो है क्लिक करते जाना माइंड में, ये चीज़ काफ़ी, ये ट्रिक बहुत ही हेल्पफुल रहती है कि हम किसी भी चीज़ को याद करना है तो हम बस अपने दिमाग में हमको क्या करना है, अपने माइंड में इमेजिनेशन क्रिएट करनी है। वो इमेजिनेशन आपको जो है इजिली आपको चीज़ें लर्न करा देती है, क्योंकि हम इमेजिनेशन पावर हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। आपने अक्सर देखा होगा अगर कोई कोई बात भी कर रहा हो या कोई कोई सब किस्सा बता रहा हो, कहानियां सुना रहा हो, तो हम तुरंत वो चीजें अपने माइंड में जो है गेन करके उसकी एक इमेजिनेशन बनाते जाते हैं कि हाँ ये हुआ होगा, फिर ये जो है पार्ट आया होगा वहाँ पे, तो एक पिक्चर सी बनती जाती है हमारे माइंड में। हमारा माइंड बहुत ही एक्टिव और बहुत ही पावरफुल है, ये बहुत ही जल्दी चीज़ों को कैच करता है और उनको एक इमेजिनेशन, जो अपनी इमेजिनेशन पावर के थ्रू एक इमेज बना देता है ताकि हमें वो चीज़ लॉन्ग टाइम तक याद रहे। तो हमें भी यहाँ पे क्या करना है, अपनी माइंड की छोटी सी पावर का इस्तेमाल करना है जो है इमेजिनेशन पावर, जो बहुत ही हेल्पफुल है। आप इसे ऐसा करेंगे तो आपको चीज़ें जो है लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। रट्टा मारने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कितना मारोगे, फार्मा का सिलेबस इतना है कि तुम रटते रटते खत्म, तुम थक जाओगे लेकिन फार्मा का सिलेबस खत्म नहीं होना है। तो रटना नहीं है, इमेजिन करना है, इमेजिन करोगे चीज़ें याद रहेंगी और कोई बर्डन भी नहीं लगेगा अपने ऊपर। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, ब्राह्मण से ब्राह्मी, ठीक है, तो ब्राह्मी से ब्राह्मण, ब्राह्मण क्या कर रहा है, ब्राह्मण बक रहा है, क्या कर रहा है, BAC बक, ठीक है ना, बक रहा है, तो बकोपा याद आ जाएगा इससे, बक रहा है। और बकने के बाद वो फूल और जो तने हैं, ठीक है, पत्ती और तने किसको दे रहा है, मणि को, क्या दे रहा है, ब्राह्मण बक रहा है, पत्ती और तने किसको दे रहा है, मणि को दे रहा है या मोनी को दे रहा है, और मोनी उनको कहाँ लगा रही है, स्कूल में लगा रही है ताकि उनसे नर्व टॉनिक बनाई जाए। क्या है ट्रिक, ब्राह्मण, ब्राह्मण दिमाग में क्लिक कर लिया, ब्राह्मण क्या कर रहा है, बक रहा है, और पत्तियाँ और तने किसको दे रहा है, मोनी को, जो कि स्कूल में, ये मोनी, मोनी स्कूल में, ये स्कूल स्कूल में क्या कर रही है, उनको लगा रही है जाके, हैं, और क्या होगा उससे, लगाने के बाद उससे नर्व टॉनिक बनाई जाएगी, नर्वाइन टॉनिक बनाई जाएगी। ये चीज़ याद रखना, ये ट्रिक यहीं ख़त्म होती है। ये पूरा जो है यहाँ पे ब्राह्मी का पूरी फिल्म हमने बना ली है, अब हम इसको नहीं भूलेंगे। अब हम आगे बात करते हैं जल ब्राह्मी की। यहाँ पे देखो जल ब्राह्मी, अच्छा जल ब्राह्मी क्या होती है, यहाँ पे देखो सिनोनिम इसका जो होता है वो होता है मांद्रिक पर्णी, ठीक है, मांड्रिक पन्नी इसका जो है सिनोनिम होता है। हर्ब इसके यूज़ किए जाते हैं, मतलब जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो पात इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो है सेंटिए, यहाँ पे देखो सेंटियाला एसिटिका इसका जो है बायोलॉजिकल सोर्स है, ये चीज़ याद रखना, सेंटियाला एसिटिका, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे लगा लो आप स्टार, सेंटियाला एसिटिका। इसके बाद अम्बैली फेरेसिस की फैमिली है, इसके बाद इसका केमिकल कांस्टेंट है एसिटिकोसाइट, मेंडिकोसाइट, मेंडिकोसाइट जो होता है यहाँ पे 3% मेंडिकोसाइट प्रेजेंट होता है, और नर्व टॉनिक सेम यूज़ है क्योंकि ब्राह्मी का ही पार्ट होता है जल ब्राह्मी, बस इसका वो जो चीज़ें सिमिलर यूज़ इसका सिमिलर ही होता है कि इसका नर्व टॉनिक बनाने में यूज़ किया जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ क्या आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, जैसे इसमें इम्पोर्टेंट इसका सिनोनिम, ठीक है, इसके बाद इसका बायोलॉजिकल सोर्स, इसके केमिकल कांस्टेंट एंड इसकी फैमिली, आप चाहें तो पार्ट ऑफ यू छोड़ सकते हैं, नहीं पूछेंगे, बट बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं बताती हूँ कैसे याद रखना है। अब देखो ब्राह्मण की तो ट्रिक बन गई, अब हम बनाएंगे जल वाले ब्राह्मणों की, ठीक है, जैसे जल परियां होती है ना, जल परियां, तो वैसे यहाँ पे क्या है, जल ब्राह्मण है, कौन से हैं, जल ब्राह्मण, ठीक है। अब वो जल ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, अच्छा, आपने देखा होगा आजकल रामायण और क्या महाभारत आ रही है दूरदर्शन पे, तो हमने वहाँ पे एक ही चीज़ देखी है, कोई भी ब्राह्मण को श्राप देना रहता है ना, तो वो क्या करता है, अपने हाथ में जल लेता है और फिर सामने वाले को उस जल से श्राप देता है, तो वो हम उनको बोल सकते हैं जल ब्राह्मण, क्या बोल सकते हैं हम उनको, जल ब्राह्मण, जो बाद बाद में अपने हाथ में जल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जल ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, कौन से प्राणी है, वो मन के प्राणी हैं, जल ब्राह्मण कौन से हैं, मन के प्राणी हैं, और क्या कर रहे हैं, सेंटियाला, सेंटियाला एशिया, ठीक है, एशिया, यहाँ पे एसिटिका से हम बनाएंगे एशिया, जल वाले प्राणी, यहाँ पे देखो जल वाले प्राणी भी बोल सकते हो कि जल वाले जो ब्राह्मण हैं, मन के प्राणी हैं, जो क्या कर रहे हैं, सेंटर, सेंट्रल या फिर सेंटियाला एशिया में बैठकर अम्ब्रेला के नीचे नर्व टॉनिक बना रहे हैं, क्या अब, ठीक है, यहाँ पे ट्रिक हो गई। अब मैं बताती हूँ, जल वाले ब्राह्मण मन के प्राणी हैं, तो जल वाले ब्राह्मण से जल ब्राह्मी,
मन के प्राणी यानी मन दिख परनी, ठीक है, ये दोनों ट्रिक अगर आप ट्रिक यूज ना करो ना यहाँ पे, तो आप मन के प्राणी से भी आराम से जो है बायोलॉजिकल जो इसका सिनोनिम है वो आप इजीली जो है क्लिक कर सकते हो। इसके बाद मन के प्राणी है जो सेंटर या फिर सेंट्रल या फिर सेंटियाला एशिया में बैठ के, सेंटियाला एसिटिका में अम्ब्रेला के नीचे, यानी अम्ब्रेली फेरेसी, अम्ब्रेला से पूरे जहाँ भी मैं अम्ब्रेला यूज करूँ ना, अम्ब्रेली फेरेसिस की एक ही जो है वर्ड आता है अम्ब्रेला से, तो अम्ब्रेली फेरेसिस की फैमिली हो गई। क्या कर रहे हैं, अम्ब्रेला के नीचे बैठ के नर्व टॉनिक बना रहे हैं, तो यहाँ पे नर्व टॉनिक ये हो गई, इजीली सबने पिक्चर बना ली अपने दिमाग में, इसको हमेशा याद रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जल वाले ब्राह्मण मन के प्राणी हैं जो सेंटर एशिया में बैठकर अम्ब्रेला के नीचे नर्व टॉनिक बना रहे हैं, ये हो गई आपकी ट्रिक याद, ठीक है। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्व टॉनिक बनाने में इसका यूज किया जाता है। अब मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट जो ड्रग है, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप मेरी ही ट्रिक से याद करें, अगर आपके पास अपनी ट्रिक है, अगर आपके पास खुद की कोई ट्रिक है या आप बिना ट्रिक के याद करना चाहते हैं तो आप याद कर सकते हैं, बट मेन थिंग जो है वो यही है कि आपको याद होना चाहिए। हमारा मेन जो मोटिव है वो यही है कि हमें ये चीज़ें याद होनी चाहिए। कोग्नोसी थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है, हल्की सी, अगर समझ लोगे ना, एक बार कोग्नोसी से प्यार हो जाए ना तो अपने आप ईजी लगने लगेगी, क्योंकि मुझे तो कोग्नोसी से बहुत प्यार है, मुझे बहुत ही ईजी लगती है। बट जिन्हें थोड़ी सी भी टफ लगती है, तो भैया ये है कि जो चीज़ से आप प्यार करने होगी ना वो आपको हमेशा अच्छी लगेगी, तो कोग्नोसी से करो प्यार, क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी जो है इसमें चीज़ें बताई जाती हैं, बहुत ही अच्छे से इसमें जो है नेचुरल जो है आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, ड्रग देखने के लिए मिलेंगी, प्लांट्स देखने के लिए मिलेंगे, उनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग की, जो है लिक्योराइस। लिक्योराइस से अब एक चीज़ यहाँ पे समझना, लिक्योराइस यानी कि कोई भी आपकी वाइन हुई, लिक्योर हो गया जो वाइन के ऊपर, तो मेनली उनको वाइन को यही बोला जाता है लिक्योर। तो यहाँ पे देखो लिक्योराइस से आप याद रखना, जो वाइन वगैरह रहती है तो उनको लिक्योर ही बोला जाता है, तो लिक्योराइस, ठीक है। अब लिक्योराइस जो है इसका सिनोनिम क्या होता है, बहुत ही अच्छा सिनोनिम है इसका, और काफ़ी क्वेश्चन आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे डबल स्टार लगा लो। अब लिक्योराइस को बोला जाता है ग्लिसराइसा, ठीक है, ये याद रखना है, क्योंकि इसी से इसका सिनोनिम है, यही इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, यही इसका केमिकल कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट है, जैसे कि हमारे ब्राह्मी में था, ठीक है। अब इसका सिनोनिम है ग्लिसराइजा और मुलेठी, मुलेठी भी बोलते हैं इसको, आम लोग जो हम लोग हैं हम लोग ज़्यादातर इसे मुलेठी के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। तो मुलेठी याद रखना कि लिक्योराइस को बोला जाता है ग्लिसराइजा और मुलेठी, ठीक है। अब मुलेठी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लगा लो स्टार। अब कौन सा पार्ट इसका यूज किया जा रहा है, इसका यूज किया जा रहा है, एक सेकेंड, इसका जो पार्ट यूज किया जाता है वो है रूट एंड स्टेलोन, ठीक है। कुछ नहीं होता है, रूट यानी होती हैं जड़ें, और जड़ों की जो जड़ों की तरह ही एक इसमें है ना अलग से, इसका जो स्टोलॉन है वो जड़ की ही तरह होते हैं, जो इनकी वृद्धि जो होती है वो जड़ की तरह ही होती है पेड़ों में नीचे साइड। तो यहाँ पे ये याद रखना, रूट और स्टोलॉन का सेम ही जो है स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पे, तो रूट एंड स्टोलॉन पार्ट यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। ये आपको पूछ सकते हैं स्टोलॉन, ठीक है, क्योंकि रूट तो सबको मालूम है मुलेठी, रूट ही यूज़ की जाएगी, बट स्टोलॉन में थोड़ा सा लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कुछ नहीं, जड़ की तरह ही इनकी जो है विकास होता है, वृद्धि होती है। तो ये याद रखना कि स्टेलोन पार्ट इसका यूज किया जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है इसका, इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है ग्लिसराइजा ग्लैब्रा, ठीक है, ग्लिसराइजा ग्लैब्रा, मैंने बताया था आपको सिनोनिम और बायोलॉजिकल सोर्स सेम है, तो ग्लिसराइजा ग्लैब्रा इसका सिनोनिम हो गया, सॉरी बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। अब बात करते हैं फैमिली की, तो फैमिली क्या है भैया, कौन से परिवार को बिलोंग करता है ग्लिसराइजा, तो यहाँ इसका जो परिवार है वो है लेग्यूमिनोसी, ठीक है, क्या है, लेग्यूमिनोसी, ये चीज़ याद रखना, लेग, ठीक है, अभी मैं ट्रिक बताऊंगी पूरा याद हो जाएगा। इसके बाद इसके जो केमिकल कॉन्स्टेंट है, ठीक है, केमिकल कॉन्स्टेंट में आपको याद रखना है, इसमें दो केमिकल कॉन्स्टेंट होते हैं, एक होता है ग्लिसराइजिनिक एसिड और दूसरा होता है कार्बेनेक्सोलॉन, ठीक है, दूसरा क्या होता है, कार्बेनेक्सोलॉन। अब कैसे याद करोगे, ठीक है, मैं बताती हूँ, जिनको ज़्यादा याद नहीं करना है, वैसे तो जीपेट वाले हैं तो डिटेल्ड मैंने यहाँ पे लिख रखी है, आप याद कर सकते हो, वरना फार्मासिस्ट के लिए आप खाली इसकी जो है यूज़ भी याद कर लोगे ना, करना, दोनों ही केमिकल कांस्टेंट है, बट कौन सा केमिकल कांस्टेंट, कौन सी एक्टिविटी या कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर पूरा याद ना करो तो उतना तो कर ही लेना, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लिसराइजिनिक एसिड का मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्ड बता देती हूँ, कि जो ग्लिसराइजिनिक एसिड होता है ना, ये एंटी बिटर एसिड होता है। एंटी बिटर मतलब क्या होता है, मतलब कि जो बिटरनेस होता है उसको इनहिबिट करने वाला या किल करने वाला एंटी बिटर, यानी स्वीट प्रॉपर्टी होगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, कड़वा नहीं होगा, एंटी बिटर है, तो यहाँ पे एंटी बिटर एक्टिविटी, ये तो याद रखना, ठीक है। इसके बाद ये क्या होता है, ये साल्ट होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, कि ये साल्ट होता है, किसका साल्ट होता है, पोटेशियम एंड कैल्शियम का, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ग्लिसराइजिनिक एसिड साल्ट फॉर्म होता है पोटेशियम एंड कैल्शियम का,
ठीक है। अब कौन से कलर का होता है, मैंने आपको बताया ना एंटी बिटर है, ठीक है। एंटी बिटर यानी कि स्वीट नेचर होगा, स्वीट प्रॉपर्टी होगी इसकी। अब येलो कलर का होता है, कलर कौन सा होता है ग्लिसराइजिनिक एसिड का, येलो, ठीक है। अब काय में यूज़ किया जाता है, स्वीट नेचर का है ना, तो हम इसको चाइल्ड सायरप में यूज़ कर सकते हैं। जो बच्चों की सायरप्स होती हैं वो मेनली हम मीठी ही बनाई जाती है कंपनी में, क्योंकि ईजिली वो लोग ताकि उसको जो है एडमिनिस्टर कर ले बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसलिए उनको स्वीट बनाई जाती है बच्चों की सायरप। तो यहाँ पे चाइल्ड सायरप में यूज़ किया जाता है एज अ एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है। कफ खांसी वगैरह की जो सायरप बनती है उसमें यूज़ किया जाता है एक्सपेक्टोरेंट की तरह। अब हम बात करते हैं आगे कार्बन एक्सोलॉन की, ठीक है। कार्बन एक्सोलॉन की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, एंटी अल्सर एक्टिविटी शो करता है। अल्सर मतलब क्या, छाले, तो छालों को ठीक करने का काम करता है। एंटी लगा हुआ है ना, तो एंटी यानी ठीक करना, तो एंटी अल्सर एक्टिविटी छालों को ठीक करने का काम करता है। इसकी वेराइटी होती है कार्बन एक्सोलॉन की, ठीक है। कौन कौन सी वेराइटी होती है, अब देखो यहाँ पे दो केमिकल कॉन्स्टेंट हो गए। अब मैं आपको बता रही हूँ ग्लिसराइजा की वेराइटीज, मतलब कौन कौन सी वेराइटी में ये मिलता है और कहाँ कहाँ ये वेराइटीज होती हैं। जैसे ग्लिसराइजा, मैंने ग्लिसराइजा को जी से डिनोट यहाँ पे जो है जी लिख के बताया हुआ है, ग्लिसराइजा टुपिका, ठीक है। ग्लिसराइजा टुपिका ये स्पेन की वेराइटी है, स्पेन एक जो है कंट्री है, वहाँ की वेराइटी है टुपिका। हम ग्लिसराइजा वॉलेंसिया, ठीक है, ठीक है। वॉयलेंसिया ये पर्शियन वेराइटी है, ठीक है। कौन सी वेराइटी है, पर्शियन। इसके बाद आता है ग्लिसराइजा ग्लैंडुली फोलिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ की वेराइटी है, रशियन की, ठीक है। ये याद रखना, ये तीनों ही वेराइटी इंपॉर्टेंट है, वेराइटी इंपॉर्टेंट है इसकी, स्टार लगा लो। अब टुपिका कहाँ, स्पेन की, वॉयलेंसिया पर्शियन की, ग्लैंडुली फोलिया रशियन की। कैसे याद करोगे, टुपिका टिपिकल, टिपिकल लोग कहाँ होते हैं, स्पेन में, टिपिकल। ग्लिसराइजा टुपिका से याद रखना, ग्लिसराइजा टिपिकल, टिपिकल लोग होते हैं स्पेन के। ये हो गया स्पेन। फिर वॉयलेंस, वॉयलेंस कौन बचाता है, याद रखना वॉयलेंस जो होता है वो बचाते हैं पर्शियन लोग, ठीक है। यहाँ पे याद रखना पर्शियन लोग वॉयलेंस बचाते हैं। तो वॉयलेंसिया, इसका आता है ग्लैंडुली फोलिया, ग्लैंडुली फोलिया से याद रखना ये जी है, ग्लैंडुली फोलिया से याद रखना जो फूल होते हैं ना, फूल, यहाँ पे देखो फूल, फूल यानी मोर, मोर लोग कहाँ होते हैं, रशिया में, कहाँ होते हैं, रशिया में। तो यहाँ तक रशियन वेराइटी होती है, ठीक है। अब ये वेराइटी तो मैंने आपको याद करा दी। कार्बन एक्सोलॉन की एक्टिविटी क्या होती है, एंटी अल्सर एक्टिविटी होती है, अल्सर को ठीक करने के लिए। अब यहाँ पे देखो इसका जो यूज़ होता है, इसका जो यूज़ होता है दोनों का, लिक्योराइज का जो यूज़ होता है वो होता है एक्सपेक्टोरेंट में, जैसे कि यहाँ पे हमने कवर किया हुआ है एक्सपेक्टोरेंट में, एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट यानी उपचार में यूज़ किया जाता है, जो कि हमने एक्टिविटी में कवर कर लिया था। अब मैं बताती हूँ आपको याद कैसे करोगे। आप फिर से जो है अपने माइंड को एक्टिव कर लो, क्योंकि हमें बनानी है छोटी सी पिक्चर माइंड के अंदर, कैसे लिक्योर। अब लिक्योर क्या कर रहा है, लिक्योर से याद रखना, लिक्योर पीते हैं मुलेठी से, ठीक है। लिक्योर पीते हैं मुलेठी वाली, कौन सी वाली, मुलेठी वाली। मुलेठी क्या होती है, मीठी मुलेठी की जड़ों, ये चीज़ याद रखना है, ये अलग से है, ट्रिक में याद नहीं करना है कि रूट और स्टोलन पार्ट अलग है। अब लिक्योर पीते हैं मुलेठी से ग्लैबरा वाले, कौन से वाले, ग्लैबरा वाले, ठीक है। लिक्योर पीते हैं मुलेठी से ग्लैबरा वाले, जिनको लैग में लग गई थी, और लैग में लग के दो टाइप की जो है एसिड निकले थे, कौन कौन से एसिड निकले थे, ग्लिसराइजा एंड कार्ब। अब लैग में कैसे लगी, या तो ऐसे याद कर सकते हो कि लिक्योर पीते हैं मुलेठी वाले, लिक्योर पीते हैं मुलेठी से ग्लैबरा वाले, जो जिनको लैग में लग गई थी, कैसे लग गई थी, वो ग्लिसरीन, ठीक है, ग्लिसरीन लेके कार चला रहे थे, ग्लिसरीन लेके कार चला रहे थे, कार से कार्बन एक्सोलॉन, ठीक है, ग्लिसरीन से ग्लिसराइजिनिक एसिड, कार चला रहे थे, और कार चला रहे थे, लेग में लग गई थी, तो फिर उनने क्या किया, उनने एक्सपेक्टोरेंट और पेप्टिक अल्सर का ट्रीटमेंट कराया, एक्सपेक्टोरेंट ली और पेप्टिक अल्सर का ट्रीटमेंट कराया, एक्सपेक्टोरेंट या ऐसे भी बोल सकते हो, खांसी और पेप्टिक अल्सर का ट्रीटमेंट कराया, ठीक है। खांसी में जो सायरप यूज़ होती है एक्सपेक्टोरेंट ही बोलते हैं उसको। अब यहाँ पे देखो लिक्योराइज से हो जाएगा, लिक्योर पीते हैं लिक्योराइज मुलेठी से, यानी मुलेठी इसका सिनोनिम हो गया, यही से क्वेश्चन आता है, कौन, ग्लैबरा वाले, तो ग्लिसराइज है, ग्लैबरा इसका बायोलॉजिकल सोर्स हो गया, जिनके लैग में लग गई थी, लैग्यूमिनोसी फैमिली हो गई। इसके बाद कैसे लग गए, क्योंकि वो ग्लिसरीन से कार चला रहे थे, क्या कर रहे थे, ग्लिसरीन से कार चला रहे थे, या ग्लिसरीन लेके कार चला रहे थे, ग्लिसराइजर, ग्लिसराइजिनिक एसिड एंड कार से कार्बन एक्सोलॉन। इसके बाद उनने क्या किया, खांसी और पेप्टिक अल्सर का ट्रीटमेंट कराया, खांसी यानी एक्सपेक्टोरेंट, और पेप्टिक अल्सर में यूज़ किया जाता है, एक्सपेक्टोरेंट एंड पेप्टिक अल्सर में इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ये सारी ही चीज़ें कवर हो गई हैं। अब हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, आज का पूरा लेक्चर आपको अच्छे से देखना है, और जो भी डाउट रहे, ठीक है, जो भी डाउट रहे वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं। इसके अलावा जो भी आपने वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड, वो जाके देख लें, ताकि आपको बाकी के जो पार्ट्स हैं वो भी समझ में आए आगे के, एंड अपडेट रहिएगा, और जितना भी हम आपको करा रहे हैं बिल्कुल करिए। अगर आपने इतना भी कर लिया ना, तो कुछ नहीं यार, फार्मासिस्ट के एग्जाम में तो सुफिशियंट है, बट अगर जीपैट पढ़ रहे हो तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और अच्छे से जो है हर कंटेंट को जो है लर्न करना पड़ेगा,
तो आपको सिर्फ इतना करना है, जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसे नोट करिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करिए, और रिवाइज करेंगे ना तो कन्फ्यूजन ज़रूर होगा, और कन्फ्यूजन होगा तो क्वेश्चन पूछोगे जिससे और ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो पढ़ो और जो भी डाउट हो बताओ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और घर में सेफ रहिए।